हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आप तो निश्चित थे पाइप खेत के बारे में पढ़ा रहा होते। पाइप खेत बनाते थे से तो पाइप खेत बनाते थे से उसके बारे में मैं आज आपको नॉलेज दे रहा होते। पाइप खेत बनाते थे से इसके लिए सबसे पहले हम क्या करे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो इतना एंगल रहता है खेत का, टोन क्या बोलते हैं इसे हम, टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, टोन बोलते थे। टोन इंस्टा रहता 50 डिग्री था, पी तो पता हम 40 लेते हैं, एच रहता इसका 0.960 पी, राइट। और एच रहता है 0.64 या फिर 2/3 एच। वो आर तो रहता है इसका 0.1373, राइट पी। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले यह निकाल देते हैं एच 0.960 × 40 तो कितना हो जाएगा। हम कैलकुलेशन करें 36 + 2 = 38 तो कितना हो जाएगा आपका 38.4 एच। अब यह वाला एच निकालना हमें, तो या तो फिर इसमें पी से इंटू उतार दो, तो पी से इंटू उतार देते हम 4 × 16 = 8 × 6 = 24 = 25 इतना यह रहता है, राइट। अब आर की बात करें एच, आर की बात 0.2 पी रहता है, राइट। तो पी 6 × 24 = 728 / 2 = 12 × 13 = 14 / 4 = 5 ये इसका आर का रहता है, राइट। रेडियस रहता है, ये हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन ड्रॉ करें, क्या करेंगे ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर, ये तो यह पूरा कैलकुलेशन आप समझ जाए थे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सेंटर लाइन। अब देखो जो एच है, एच है कितना है आपका 38, राइट। कितना एच 38 का आधा कितना होता है 1.19.4 और यह भी हम नाप लेते हैं 25 है, 25 का आधा कितना होता 1.26। तो हम दोनों लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो ये देखते हैं यहाँ से 10, यह एयर लाइन और यह है आपका 19, राइट 19। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाए, इधर भी हम 10 और ये कितना है 13, राइट। ये हमने यहाँ पे भी पॉइंट मारता 10 × 19 = 13। ये सॉरी यहाँ ये दोनों पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। अब हम इस पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर दिया।
ये हमने पूरा डायग्राम बना लिया है। अब इसका जो एंगल है वो 55 है, लेते पिच क्या है हमारा, पिच है 40, तो हम तैयार करते यहाँ से पिच जो है वो 40 नाप लेते हैं, राइट, यहाँ से पिच 40 नाप लेते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, चौथा पॉइंट यहाँ। अब इसका जो सेंटर पॉइंट भी हमें लेना है, सेंटर पॉइंट क्यों लेना है वो मैं आप तो बता दूँ, है ना, आधे बात समझ में। मैं सेंटर पॉइंट क्यों लेते वो भी आपको पता दूंगा। ये देखो यहाँ पे है ना 55 डिग्री का एंगल लेना है, कितने डिग्री का एंगल लेना हमें 55 डिग्री, तो 10 20 30 40 55, तो 55 तो आधा कितना होता है वो नाप लो, कितना होता है 2 बच्ची 8 7.5, ये होगा तो यहाँ से नाप लो आप 10 20 7.8, राइट, तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे आएगा इधर आप, यहाँ पे आएगा आपका इधर, ये सेंटर लाइन हम इसलिए लेते हैं, है 55 एंगल यहाँ पे आएगा। ये तो नाप भी ले लेते हम 27 का, यह है 10 20 27 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं यह एंगल, नापते हैं, राइट, तो बनाते आज अब छेद, ये तिक्का लिया हमने, ये देख लो 40 ही लिया है ना, 10 20 30 40, हाँ 40 ही लिया है। ये तो इस टाइप से इसे हम ड्रॉ करते हैं, ये अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से है ये पॉइंट यहाँ से 40 पे मार्क कर लो, कितना आ जाएगा 10 20 40, यहाँ पे भी यह 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी हम ये लेते हैं तो ये देते ये पहला पूरा वहाँ पे कनेक्ट तो हो जाएगा, उसके बाद 40 कितना है, इस तो हम जब तने तरेंगे ये यहाँ पे और यह ये पूरा 50 दे रहता है अंदर हमारा है, तो इस टाइप से हम इसे इजी तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा राइट है। अब देखो जो एंगल है आर्त है वो आर्त तीता लेना है हमें, आर्त तीता लेना है, कितना आर्त लेना है, तो हम यहाँ पे आर्त ले लेते हैं 5 डिग्री का। इसके लिए आर्त लेने के लिए हमें क्या करना है, इनकी सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा आर्त लेने के लिए सेंटर लाइन, ये ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन,
या अब कितना आटा लेना है हमें 5.4 पैने 6 तरीप हमें आटा लेना पड़ेगा। हम यहाँ से आटा ले लेते हैं, नहीं तो ये स्टील है ये हमने नापा। इस टाइप के आर तो बनेंगे। फिर यहाँ से रहते हमें इधर यह मूवमेंट करना है। यह बना रहे हम पाइप थ्रेड, क्या बना रहे पाइप थ्रेड। इस टाइप से हमारे ये पाइप थ्रेड बनते हैं। ये पाइप थ्रेड इस टाइप बनते हैं, जो वो इजी वो सरल तरीके से। अब इसके जो हेचिन है, अब हेचिन इससे हम कर देते हैं, यह चिन्ह तेजी ती जाती है, तो दोनों तरफ से हम यह चिन्ह करते हैं। हम इस टाइप देते हैं चिन्ह। इधर ऊपर से भी हमें इसते है चिन्ह करेंगे, इस टाइप के है चिन्ह वाली। यह आप ध्यान में ये हमारा बन रहा है पाइप थ्रेड। ये पाइप थ्रेप इस टाइप से हमारा पाइप थ्रेप बनता है। हम डायमेंशन अब दे देते थे, डायमेंशन तेजी दिए जाते हैं। यह जो डायमेंशन है यह उसके बाद यह आर था रॉन्ग ये वाला आर था। उसके बाद ये जो त्रिज्या पीच मिस्टर टोटल डायमेंशन कर देते।
ये जो है 50 दे रही, ये आ जाएगा आपका पी, ये आ जाएगा आपका स्मॉल एच, ये आ जाएगा आपका कैपिटल एच, और ये आ जाएगा आपका आर। ये इस टाइप से बनता है आपका पाइप है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और मेरे बेल तो क्लिक करे और सब तक पहुँच सकते। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।